जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। कहीं ना कहीं 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, बड़े आराम से चल रहे हैं। और अभी की डेट पे हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो अर्थमेटिक के टॉपिक पे कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जिससे आपको सीखने को मिले और पेशेंस के साथ आपका अर्थमेटिक एक तरीके से फाउंडेशन कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि भविष्य में भर्ती आनी है, एएलपी और आरपीएफ तो फिक्स है, बाकी एनटीपीसी ग्रुप डी भी आ सकती है, जिसका नोटिफिकेशन सभी टीचरों का बस यही कहना है जनवरी फरवरी, हम भी यही मान के चलेंगे। हाँ, बहुत से यूट्यूबर जो है यूट्यूब में फेक नोटिस बनाकर वायरल कर रहे हैं, वो स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बच्चा खुद ही जान जाएगा कि मान लो हम ही कोई नोटिस आकर यूट्यूब में डिस्कस करें कि भैया ये देखो नोटिस आया, रेलवे में आ गई भर्ती है, तो ऑटोमेटिक बच्चा हमको बाद में गाली देगा। रीजन क्या है, जब भर्ती आई नहीं, बच्चा तो चेक करेगा जाके ना ऑफिशियल वेबसाइट में। तो चीजों को आप लोग समझे, तो फर्जी नोटिस से दूर रहे, जब भी आएगा ऑफिशियल आएगा और आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि ये एक कोर्स है जिसका सभी वीडियो चलता हुआ प्रकाश सर मैथ ऐप में मिलेगा आपको। वहां पर इसके साथ एक्स्ट्रा वीडियो भी आपको मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, अच्छा कर सके। बात समझ में आए? और ये किताब एज ए फाउंडेशन किताब है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हो तो उसके लिए फाउंडेशन किताब है। पहले से इसका फर्स्ट सेकंड एडिशन पढ़ रखा है तो पिनाकल 6200 मैथ लगाइए, वहां आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि इससे तो आपका फाउंडेशन बेहतरीन हो जाएगा। बस और क्या, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है दोस्तों? आज का टॉपिक है अपना डिस्काउंट। लास्ट क्लास में प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तब हमने 3 बातों पे चर्चा कर लिया, एक सीपी, एक एमपी और एक एसपी। ये 3 बातों पे ही हमें फोकस करना होता है डिस्काउंट चैप्टर में भी। अब डिस्काउंट मिलता कहां पर है? डिस्काउंट का जो मुद्दा होता है वो हमेशा एमआरपी पर होता है। एमआरपी पर आपको डिस्काउंट मिलने के बाद वो चीज कन्वर्ट हो जाती है सेलिंग प्राइस पे। कहां कन्वर्ट हो जाती है? सेलिंग प्राइस पे। तो अगर कोई कहते डिस्काउंट कहां मिलेगा, वो हमेशा एमआरपी पे मिलेगा। या तो डिस्काउंट सब लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा। ऑफ जैसे साबुन में नहीं देखा, 2 रुपया ऑफ, 3 रुपया ऑफ, वही हमारा डिस्काउंट होगा, ठीक है? एमआरपी को हम लोग मार्केट प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लिस्ट प्राइस, लेवल प्राइस, छपा हुआ मूल, अंकित मूल, ऐसे नामों से हम लोग जानते हैं। बहुत आराम से सीखना। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 25% डिस्काउंट, तो 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, 4 हमारा एमपी होगा मार्केट प्राइस, 1 आपका डिस्काउंट होगा, और डिस्काउंट देने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि 3 हमारा एसपी होगा। ये तो सिंगल डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट, ये सिंगल डिस्काउंट तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी सीख लेते हो। अब कहीं ना कहीं डिस्काउंट चैप्टर में यहां पर डबल डिस्काउंट लाएगा, ट्रिपल डिस्काउंट लाएगा, तब वह सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करेगा, तो उन्हीं पर हमें वर्क करना होगा। फिर ऐसा बताएगा जैसे नहीं कि अभी देखोगे आप लोग, जैसे मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, समझना। एक दुकान में डिस्काउंट का ऑफर चल रहा था 50% प्लस, 50% ऑफ। एक डिस्काउंट का ये ऑफर चल रहा था एक दुकान में, और एक दुकान में ये चल रहा था 50% प्लस 30% प्लस 20% ऑफ। तो आप बताओ कौन सी दुकान में जाओगे, कौन सी दुकान में जाओगे? सेम आर्टिकल मान के चलना, ठीक है, कि एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्राइस एक फिक्स है, ठीक है, हर जगह वही प्राइस पे। अब जो जैसी श्रद्धा से डिस्काउंट दे दे,
एक दुकान वाला 50+50 दे रहा, एक कह रहा 50+30+20 ले जाओ, ठीक है, यहां 3 डिस्काउंट, यहां 2 डिस्काउंट, अब बताओ किसके पास जाओ। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। अब ये कैसे, पहले समझ लो बेहतर तरीके से। कुछ महान पुरुष तो कहेंगे सर 50+50 यानी फ्री में बट रहा है, समाज सेवा के लिए आया, 50, 30, 20 भी 100 होता है फ्री। नहीं मेरे भाई, 50+50 का मतलब मान लो 100 रुपए की चीज है, पहला डिस्काउंट 50% दिया तो 50 रुपए का हुआ, फिर 50% दिया तो वो 25 रुपए का हुआ, यानी ओवरऑल डिस्काउंट 75% का हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? यहां पर 100 रुपए की चीज है, 50% ऑफ तो 50 का हुआ, फिर 30% ऑफ तो 15 कम हो गया, 35 हुआ, फिर 20% ऑफ तो 7 कम 28 का हो गया, 100 की चीज 28 की हो गई तो 72% का डिस्काउंट दिया गया। ये मैटर। फिर अब ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, यहां पर 50% प्लस 50, कम डिस्काउंट 50, 30, 20। अब फिर इसमें क्वेश्चन में घुमा देगा, क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि भैया दुकानदार को किसमें ज्यादा फायदा हो। अब बच्चा सोच रहा है कि 75 मार आएंगे, दुकानदार को तो इसमें फायदा हो रहा है भाई, 100 की चीज 72 रुपया कम कर रहा है, 28 में बेच रहा है, यहां पर 100 की चीज 25 में बेच रहा है। तो ये भी चीजों आपको समझना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है, किस हिसाब का क्वेश्चन है, तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है कि बाय वन गेट वन फ्री वाला डिस्काउंट, जी हाँ, ये भी क्वेश्चन हमने अभी एसएससी वाले में भर भर के कराया था, बाय वन गेट वन फ्री भी यही देख लो। ठीक है, हमारे उद्देश्य जो आप बोलोगे वो बताना है। देखो ये चीज यही देख लो, बाय वन गेट वन फ्री, एसएससी 2023 के पेपर में ये बहुत आया इस पैटर्न का, पहले सब। अब यहां डिस्काउंट इन जनरल तो आप यही कहोगे कि बाय वन गेट वन फ्री का मतलब 50% ऑफ हो गया। 50% क्या भाई, पैसा एक वस्तु का दिया, ले गए दुइठो, तो मोटा मोटा यही हुआ। तो इसको ऐसे समझाता है कि वस्तु जो पैसा, मतलब जो एक तरीके से सीपी लग रहा है, वो दो वस्तु का लग रहा है, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, सीपी दो वस्तु का, पेमेंट आप एक वस्तु का कर रहे हैं, मोटा मोटा सीपी दो वस्तु का, पेमेंट कितने का कर रहे हो, एक का कर रहे हो, क्योंकि बाय तो एक ही कर रहे हो, दो की चीज एक मिले जा रहे हो, तो 1/2 × 100 यानी 50% ऑफ। फिर से समझो, जैसे बहुत जगह आप ऐसे देखोगे बाय टू गेट थ्री फ्री। अब यहां पूछा गया भैया कितना डिस्काउंट चल रहा है, भाई इसमें तो एक खरीदा एक फ्री पाया, तो इसमें क्या है, पहले समझो, बाय टू गेट थ्री यानी आप पैसा कितने का, पैसा लगेगा 5 का, देखो 3, 2, 5, 8 के, एक तरीके से सीपी 5 का, पर पेमेंट आप कितने की कर रहे हो, पेमेंट तो 2 की कर रहे हो ना, पेमेंट तो 2 की कर रहे हो, बाय तो 2 ही कर रहे हो, पर पैसा 5 का लग रहा है, तो 5 यहां 2, 5 की चीज अगर आपको 2 में मिल रही, दोस्तों एक्चुअल में हमारा इंटरनेट चला गया, ठीक है, ये मैंने फोन से कनेक्ट किया है और ये कभी भी जा सकता है, पर ऐसा क्यों, इसमें बच्चे कॉल करते हैं और कॉल करते यहां पर खेला हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा करते हैं इस क्लास को फिर हम रात में ले लेते हैं, भाई क्या किया जाए, कोशिश यही है कि इसको लाइव ले लें, शायद इंटरनेट आ गया। दोस्तों 3 से 4 मिनट आपको डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी, क्योंकि हमारा नेट चला गया था, मोबाइल से कनेक्ट किया जैसा हमने बीच में बोला, वो आपको एहसास नहीं होगा बाद में, जो नए बच्चे हैं उनको बाद में नहीं होगा, ठीक है, जो हकीकत है वो आपके सामने, क्योंकि बाद में वो चीज़ हट जाती है। चलिए ये चीज़ हम आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, कहता बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, इसमें क्या है कि आपने आपने
खरीदी एक वस्तु है तो एक यहां आएगा, और कहीं ना कहीं जो जिसने बेचा है उसने दो वस्तु बेची, तो दो वस्तु यहां पर एक यहां पर, तो दो का एक बटा दो इंटू 150% ऑफ। यहां बाय टू गेट थ्री, यानी जिससे आपने माल लिया उसने आपको पांच वस्तु दिए, पेमेंट आपने कितने की है, दो की है, तो डिस्काउंट कितना हो गया 60%, कितना हो गया 60%, पांच की चीज दो में मिली तो 60% डिस्काउंट हो गया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान देना दोस्तों, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल में 20% की वृद्धि की जाती है और उस पर प्रत्येक 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल उसके क्रय मूल से कितना अधिक है, ऐसा पूछा गया है। तीन बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं, एक का नाम सीपी, एक का नाम एमपी, एक का नाम एसपी। एक वस्तु के मूल में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 100 रुपए की चीज थी 120 रुपए एज ए एमआरपी छाप दिया, फिर हमसे कहता है और उस पर प्रत्येक पर 5% के दो क्रमिक छूट दी जाती है, यानी दो बार 5-5% का डिस्काउंट। अब 120 की चीज में पहला 5% डिस्काउंट दोगे, 120 में 5% डिस्काउंट देने का मतलब 6 रुपए कम, 5% का मतलब 6 रुपए कम, ठीक है, 10% 12 तो 6 कम कर दोगे तो 114 आ गया, और फिर 5% डिस्काउंट, फिर 5% डिस्काउंट, तो यही निकाल लो, इसका 5% निकालोगे तो मोटा मोटा आप देखो 10% होगा 11 रुपए 40 पैसे, तो 5% होगा 5 रुपए 70 पैसे, 5 रुपए 70 पैसे इसमें कम कर दोगे 30 पैसे तो ऐसे ही आ जाएगा, 100 में से 70 गया 3, अब ये 13 हो गया, 13 में से 5 गया 8, यानी 100 की चीज 108.30 की मिलती है, तो कहीं ना कहीं 8.3% का आपको लाभ होगा। तो वही कह रहा है हमसे, इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल उसके क्रय मूल से कितना अधिक है, 8.3%। ये इसका प्यारे दोस्तों पहला तरीका होता है, ये वो तरीका है जो सिंपल सरल तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे दोस्तों। फिर से रिपीट करेंगे बहुत सिंपल वे में, क्योंकि शुरुआत में 2-4 में ही टाइम लगाना फिर तो हाफ उड़ा देना है। एक वस्तु के मूल में 20% की वृद्धि की जाती, यानी 100 की चीज 120 छाप दी जाती है, अब उस पर दो डिस्काउंट दिए जाते हैं 5-5% के, पहला डिस्काउंट 5% तो 120 का 5% 6 कम करोगे 114 आएगा, फिर 5% तो 5 रुपए 70 पैसे डिस्काउंट, 114 का 5 रुपए 70 पैसे 5% होता है, यानी 108 रुपए 30 पैसे आ गया। अब हमसे कह रहा है सेल कितना सीपी और एसपी में, तो 8.3% का, ये पहला तरीका हो गया, तरीके देखना कोई जल्दबाजी नहीं। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, लिखने का तरीका वही कि भाई 100 रुपए की चीज है, पहले आपने 20% बढ़ा दिया तो 120 छाप दिया, फिर 5% डिस्काउंट दिया तो इसका 5% निकालोगे तो 6 रुपया कम हो जाएगा, 6 कम करोगे तो ये 114 हो जाएगा, फिर इसका 5% निकालकर इसमें कम करोगे जो कि 5 रुपए 70 पैसे आएगा, वो कम कर दोगे तो 108 रुपए 30 पैसे आ जाएगा। अब हमसे सीपी और एसपी पर पूछा गया, सीपी ये है एसपी ये है, 100 की चीज 108 रुपए 30 पैसे का, तो 8.3% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, वही चीज है बस लिखने का तरीका है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे x + y xy / 100। अब ये कैसे, पहले समझो,
बहुत प्यार से। पहले हमने वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई थी, फिर हमने दो डिस्काउंट दिए, एक 5% का डिस्काउंट दिया, फिर दूसरा भी 5% का दिया। तो ये फॉर्मूला आप दो बार लगाइए। सर कैसे? पहले इन दोनों को लगा लो, तो 20-5 दोनों का गुणा 100/100 यानी 14% एक तरीके से लाभ। अब इन दोनों से 14% मिला और ये 5 के साथ लगा दो, तो 14-5 14 × 75 = 100 यानी 14 में 5.7 घटाओगे तो 8.3 आ जाएगा। तो ऐसे भी करके लोग निकालते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? और भी तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं, ठीक है? तो आप धीरे धीरे करेंगे, आप एक एक ही क्वेश्चन में अगर 10 तरीके बता देंगे ना, पूरा लेक्चर एक एक क्वेश्चन में चला जाएगा, समझ गए? मोटे मोटे दो तरीके आपको हमने, दो क्या तीन बता दिए, यहां CPMP SP लिख के बता दिया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, ठीक है? अब बताओ एक क्वेश्चन में कितना समय लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब देखो यहां समय बचेगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो हमें यह देखना है कि कौन सा तरीका बेस्ट हो। अब यहां हम रेशियो से नहीं, रेशियो भी तरीका यूज होता है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में इसको हम लोग रेशियो नहीं, ये जो किया था इसको हम लोग रेशियो से भी कर सकते हैं, चौथा तरीका। चलो हम वो भी बता देते हैं, लगे हाथ सीख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। पर ये देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका बेहतर है। अब जैसे ये 20% बढ़ा दिया तो इसका मतलब 1/5 होता है, 5% डिस्काउंट यानी 5% डिस्काउंट तो 5/100 यानी 1/20 माइनस का 5% डिस्काउंट 1/20। अब 5 की चीज 6 में हो गई, 20 की चीज एक कम करोगे 19 में हो गई, 20 की चीज एक कम करोगे तो 19 में हो गई। तरीके सब बताऊंगा मैं। अब मेरे दोस्त इसका गुणा कर लो, 100 ये हो जाएगा, 100 × 20 यानी कितना हो गया, 100 × 20 कितना हो गया 2000, और यहां 19 × 19 361 × 6 ऐसे आए 36 हासिल 18 × 3 = 21 यानी 2000 की चीज इतने में बेची गई, 166 कमाया गया आउट ऑफ 2000 × 100। 20 से भाग दोगे देखो 8.3% आ गया। ये चौथा तरीका हो गया था पहले पर क्वेश्चन। पर आपने कुछ गौर किया? कुछ गौर नहीं किया होगा, बस जैसा बताते जा रहे बस वही सीखते जा रहे हो। इनमें से बेहतर कौन सा? तो बेहतर डिपेंड करता है वैल्यू पर। बेहतर ये वाला तरीका, बेहतर ये वाला। कब बेहतर है? जब 20-5-5 या 20-30-40 ऐसे करके हमें परसेंटेज दिया जाए। भविष्य में मान लो कोई क्वेश्चन जहरीला, 16 = 2/3%, 8 = 1/3%, उस केस में बेहतर कौन सा होगा? उस केस में बेहतर ये रेशियो वाला होता है, ठीक है? सर ये वाला कौन बेहतर? ये सभी, ये 20-5, ये 12-14%, जैसे किसी वस्तु में 12% डिस्काउंट 14% डिस्काउंट, उस केस में इससे बेहतर ये हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन की जो वैल्यू दी जाए उसके हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी, और आज नहीं आ रही तो भविष्य में आपको किस में आएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब एक एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 तरीके बता देंगे और दिमाग का दही हो जाएगा, तब आएगा, ठीक है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर दो में, अब क्वेश्चन नंबर दो में हम क्या X+Y लगाएं? क्या हम रेशियो से करें? जो रेशियो और X+Y से कर रहे हैं उनके साथ खेला है, क्योंकि सस्ता क्वेश्चन है। देखो कैसे भाई, 100 रुपए की चीज थी, पहले 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% इसका कम करोगे तो 90 आया, फिर 15 नहीं 20 दो, 15 बाद में क्योंकि पॉइंट में बाद में खेलो, 10% डिस्काउंट दिया तो माइनस का 10, सिस्टम भी हैंग होने लगा। अरे वाह, 10% डिस्काउंट, 20% ऑफ, तो 90 का 20% कितना होता है? तो 90 का 20% मेरे दोस्त 9 × 18 कम, बोलो हां, 9 × 18 कम, अब ये कितना आ गया 72 आ गया।
अब 15% डिस्काउंट दे दो, तो 15% 72 का 15% कितना होता है, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 सत्ते 105 और 3 108 हो गया, 100 से भाग दोगे तो 10.8 हो गया। अब मेरे दोस्त अगर आप इन तीनों को ऐड कर ले रहे हो, ये सुपर फास्ट हो गया, ये हो गया 38.8%, यही इसका आंसर, यही तो डिस्काउंट की वैल्यू है। हमसे कह रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, तो ये इसका सुपर फास्ट तरीका हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। सभी मुस्कुरा के बोलो हां सर कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका समझ में आ गया। विमलेश मेरे भाई, बिग टैलेंटेड मेरे भाई, बोलो रमेश जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हम इसी क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 लगाएं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर दो बार अगर रेशियो लगाएं कि 1/10, 15, 3/20, 1/5 इसका इसका, तो हो सकता है और बड़ा हो जाए। ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बस एक मिनट, कुदरत की माया है, जब हैंग होता है तो सब कुछ होता है। ठीक है, कभी इंटरनेट जाता है, ठीक है, पर हम हारते नहीं है, हम क्लास लेते रहते हैं। आप इतना तो बच्चा भी समझदार है आज के डेट में, सामने देख रहा है लाइव की सर्कस खिला हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, एक वस्तु का सूची मूल, सूची मूल क्या कहते हैं, एमआरपी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमआरपी को, ध्यान देना, 15% की छूट दी गई, शुद्ध विक्रय मूल को इतने पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए, ऐसा अतिरिक्त छूट। अब मोटा मोटा समझो, देखो जहरीला क्वेश्चन है, ये लगा लिया हो गया, समझो भाई कोई चीज 1200 रुपए की थी, 1200 रुपए किसी चीज का एमआरपी समझ लो, क्योंकि सूची मूल्य लिखा है तो एमपी समझ, 15% की छूट दी गई, 15% यानी इसका 180 आ जाए, 180 क्या परसेंटेज, 20 खा गया, 12 × 15 180, 180 कम कर दो, अब वस्तु हो गई 1020 की। अब कहता है शुद्ध विक्रय मूल इतने पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल पर कितने प्रतिशत, मतलब इससे हमें लाना है किसमें, 887.40 में, अब हमने यहां से कितने परसेंटेज की छूट दी, कितना परसेंट हमने ऑफ किया भाई, ऑफ करने के बाद, क्योंकि ऑफ किया घटाएंगे जो वैल्यू आएगी वो घटाने के बाद ये आया, ऐसा बोला जा रहा है। अब सोचो कैसे करेंगे, ठीक है, अब जैसे हमारा मानना है, जैसे हमारा मानना है, हम तो 13% आंसर बोल देंगे, सर ये कैसे कर दिया, सर ये कैसे कर दिया, 13% कैसे कर दिया, तो 13% देखो दिमाग लगाया, 13 यानी लास्ट का 3 और 2 तो 6 हो गया, तो एक तरीके से 60 बनना होगा, 100 में 60 जाएगा तभी नीचे 40 आएगा, इसलिए 13 हो गया, सर हम नहीं मानेंगे, मत मानो, दोनों का अंतर निकालो, यहां 2 जीरो बढ़ा लो, 100 में से 40 गया तो 0.60 ऐसे आया, बोलो हाँ, 9 में से 7 गया 2 आया, और ये हो गया आप 11 में से 8 गया 3 आया, तो यहां 1 आया, किस पे निकालेंगे, 1020 पर और इंटू 100 करेंगे। अगर ध्यान देना मैं पूरी कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि तो मैं ईमानदारी से सॉल्व करता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, दशमलव यहां हटाया, दशमलव हटाया तो ये 0 हट गए, क्योंकि ये 0 यहां लग गए, क्योंकि 100 का गुणा हो गया तभी दशमलव हटा, 0 से 0, अब यहां यूनिट प्लेस पे 2 है और यहां 6, 2 को 6 बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे 3 का गुणा होगा, 2 को 6 बनाने के लिए 2 × 6 होता है, बोलो हाँ, इससे जब भागोगे 13% आंसर, बाकी किसी में नहीं, यानी 13% इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है, सभी मुस्कुरा के बोलिए, तो हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है और चीजों को सीखना है। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, नो डाउट, आप इसको पढ़िए, बहुत सारा पेपर हमने करा रखा है,
जो कि शायद कांस्टेबल की भर्ती है, जब कांस्टेबल की भर्ती आई थी उससे पहले के सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे सॉल्व है, प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं यूपीएसआई वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है, पूरे सॉल्व है प्रीवियस ईयर, बाकी नए भविष्य में देखेंगे, अभी पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है, चार दुकानों 1, 2, 3, 4 पर एक कुकर का अंकित मूल समान है, कुकर के अंकित मूल पर दुकान एक 20% 15% की दो क्रमिक छूट देता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप मुझ पे अगर 1% ट्रस्ट करोगे, 1% ट्रस्ट करोगे एसएससी सीजीएल 2023 शायद जून या जुलाई में हुआ था, वो देख लेना आप डेट, ठीक है। हर सेट में भर भर के क्वेश्चन है, हर सेट में भर भर, मतलब हर सेट में एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिला है। अब इसमें करना क्या है, इसमें ये डिसाइड करना है कि भैया कौन सा बेहतर डिस्काउंट है। देखो पहले समझो, हम आपको यही ट्रिक सिखाएंगे इसकी। देखो पहला, जैसे कोई दुकान में ऑफर चल रहा है, क्या चल रहा है ऑफर, एक में चल रहा है 20% और 15% ऑफ, पहले समझ। अब इसके शब्दों को समझना होगा, एक में चल रहा है 18% 17% ऑफ, मतलब छूट है तो ऑफ है, एक में चल रहा है 25% 10% ऑफ, एक में चल रहा है 15% फिर 5% ऑफ, चलो माइनस माइनस लगा लेते हैं हल्का सा, ये नहीं कि इनको घटा रहे, ये एक तरीके से समझ गए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, भाषा जरूर पढ़ो, शुरुआत में जो चीज बोली है उसको भी ध्यान रखना है। ये डिस्काउंट कह रहा है, कौन सी दुकान सबसे कम मूल पर कुकर बेच रही है, यानी सबसे अधिक डिस्काउंट इनमें से कौन दे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ भाई, देखो ये लास्ट की भाषा पढ़ लेना, मालूम चला यहां तो सब कुछ ठीक निकाल लिया, अर्थ का अनर्थ कर लिया। दो तरीके से होता है, एक कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट हो रहा है वो पूछा जा रहा है, और एक दुकानदार को किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है वो पूछा जा रहा है। अब सुनो, दुकानदार ने कहा कि देखते हैं हमारा कस्टमर पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसने क्या किया, कहता भैया एक में 20 और 15 डिस्काउंट, एक में 18-17 है, 25-10 और 15-15-5, आप इनमें से कोई भी एक डिस्काउंट मुझसे ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। तो कौन सी दुकान सबसे कम मूल पर कुकर बेच रही है, यानी किस पे आपको अधिक छूट मिल रही है, यही ना। अब जो पढ़े लिखे ज्यादा हैं, 20-15-35, 18-17-35, 25-10-35, 15-15-5-35, तो डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है। अब समझना मैं भाई, मोटा मोटा हमेशा याद रखना, मोटा मोटा कौन सी दुकान सबसे कम मूल पर बेच रही है, यानी सबसे अधिक डिस्काउंट दे रही, सबसे अधिक डिस्काउंट दे रही, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन, जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो ये माइनस का एक्स माइनस का और ये प्लस का एक्स वाई अपॉन 100 हो जाए। देखो तो मेरी बातों को समझना, इस क्वेश्चन में बहुत दिमाग देंगे आपको, ये चीज आ जाएगा। अब मोटा मोटा याद रखना, जिसका ये चीज अधिक होगा, ये चीज अधिक होगा उसका डिस्काउंट कम हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? हाँ, जिसका ये एक्स और वाई का इनटू ज्यादा होगा उसका डिस्काउंट कम हो जाएगा। क्यों? एक्स माइनस वाई तो सभी में, तीनों में सेम है, अरे तीनों में इनका योग सेम ही है, तो ये चीज अगर प्लस में आ रही है तो ये चीज माइनस में है, प्लस ज्यादा हो गया माइनस फिर कम, तो कम डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी हमें ये चीज जिसमें कम होगी, एक्स इंटू वाई बाई 100, जिसमें कम होगी उसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मोटा मोटा अगर हम जनरली ऐसे दे, भाग आग ना दे, तो 15 × 30 यानी एक तरीके से ये 300 आया, 18 × 17 कर लो, ठीक है, 18 × 17 कर लो, तो 17 का टेबल आता है, 17 × 8 कितना होता है बताओ, 17 × 8 कितना होता है बोलो, 136, 6 ऐसे लिखा 13,
और 17 और 13 306 हो गया, यहां 250 हो गया। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इधर वाले में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 25 माइनस 10 तो 35, यहां 100 से भाग दोगे तो ये 2.5 कम होगा, यहां 3.06 कम होगा, यहां 3 कम होगा। तो जिसमें ये चीज कम है, क्योंकि ये प्लस की है बाकी माइनस की है, ये कम तो ज्यादा डिस्काउंट। तो अभी तो आंसर तीसरा है। अब जैसे इसमें वाले में आए, ये 15 15 5, तो मेरे भाई एक चीज समझ लो, ये 15 15 5 इसको आपको कैलकुलेट करके देखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, और यही कैलकुलेशन, ठीक है, यही कैलकुलेशन भर भर के समझो। आप पहले इन दोनों का निकाल लो, -15 -15 करना पड़ेगा मेरे भाई, 15 का स्क्वायर 225 यानी 2.25, 30 में 3 गया 27.75 आया, फिर ये माइनस का 5 आएगा, ये माइनस का 5 आया, बोलो हां, और मतलब इन दोनों कर लिया, अब इससे ये आया, और फिर माइनस माइनस प्लस 27.75 गुणे 5 बटा, तो यहां देखा जाए 27.5 32 हो गया। यहां जब आप भाग दोगे तो पहले भी यहां 2 दशमलव में है, फिर दोगे तो और घुस जाएगा, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट जब इसमें ये चीज घटाओगे 32.5 में, ये 1 रुपया से भी कम आएगा, ठीक है, और यहां हमारा 32.5 आएगा, ये बहुत ही कम आएगा, 1 रुपए से भी कम, बहुत ही कम आएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको तीसरे नंबर पे मिल रहा है। अगर आपको लगता है तो ये चीज भी आप यहां साइड में चेक कर लीजिए। जी हाँ, सर वाई दिस कोलावरी, मैं चेक करा देता हूं, थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, 32.75। अब ये चीज निकालोगे तो 5 का 25 2 हासिल, 7 पना 35 2 37 3 हासिल, 27 पंजा 135 और 3 138.2 लगाए तो ये चीज हुआ। ये चीज हुआ, ठीक है, यानी 1.3875, 1 से ज्यादा आ गया, कोई बात नहीं। अब यहां आप देखोगे तो यहां 1 से ज्यादा आया, तो इसमें 32.75 में कम करोगे ना, 31 पॉइंट कुछ करके या 30 पॉइंट कुछ करके ऑफ है, पहले बात को समझो, 31 पॉइंट समथिंग ऑफ है। यहां पर जब इसमें घटाओगे तो ये 32.5 ऑफ है, 32.5 ऑफ ज्यादा डिस्काउंट कहलाता है, यानी इसका आंसर ये आएगा। अब बहुत सारे बच्चे चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखकर घबरा गए कि सर ये क्या कर बैठे। मेरे भाई यहां समय लगा है, बाकी जगह समय नहीं लगेगा, क्योंकि अभी सिखाने पर फोकस है, ठीक है। तो याद रखना ये चीज बहुत चलती है, और यही चीज हमने आपको यहां सिखाई थी कि जैसे दिखने में सेम है, 50 प्लस 50 100, यहां 50 30 20, ये भी 100 है, ये भी 100 है, पर कौन से में ज्यादा डिस्काउंट है, तो ये वाले में ज्यादा डिस्काउंट है, समझ गए। चलिए धीरे धीरे सब सीख जाओगे। 4 नंबर जहरीला है अभी की डेट में, बाकी सस्ता है, आप मार सकते, ध्यान देना मेरे दोस्त, भावनाओं में मत बहना। एक निश्चित बिल 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 25 है, वास्तविक राशि क्या है? यानी कोई वस्तु है उसमें आप सिंगल डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लो मोटा मोटा 100 यूनिट की कोई चीज है, आप मोटा मोटा समझो 100 रुपए की कोई चीज है, उस पर आप सिंगल डिस्काउंट 32 रुपए ऑफ कर दे रहे हो, तो 100 पे 32% तो 32 ही% बना रहेगा, बोलो हां। और अगर उसी वस्तु पे आप 2 क्रमिक डिस्काउंट दे रहे हो, कौन से दे रहे हो, 20 20% के ऑफ दे रहे हो, तो 20 ऑफ किया, मोटा मोटा 80 80 का 20 ऑफ किया, तो इस टाइप से, तो ये 20 20 ऑफ कर रहे हो, इसको यहां से निकाल लो x प्लस वाई, x वाई अपॉन 100 से,
कि -20 -20 गुणे 20 400/100 यानी 36% का डिस्काउंट दिया। कितना? 36% का। तो 20-20 ऑफ कर रहे हो तो 36 होता है, 40 नहीं होता है। और इसका मतलब ज्यादा डिस्काउंट 20 वाले में हो गया, दोनों का अंतर कितना हुआ? 4% ऑफ हुआ डिफरेंस में, और यही डिफरेंस बराबर 25 के हो गया। हमसे कहता फाइंड द एक्चुअल अमाउंट, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 25 का इधर गुणा 25 का इधर कर दो, 625 इज द राइट आंसर। तो ये तरीका है क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का, ठीक है। अभी एक बच्चा कह रहा है कि यूपी पुलिस में क्या छूट मिलेगी क्या? मेरे देवता, नोटिफिकेशन आया नहीं, एग्जाम डेट आ गई, ऐसा है यूपी पुलिस का, अब बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, पेपर में छप गया हर जगह है कि आपका फरवरी में, शायद जनवरी या फरवरी जो भी है पेपर होगा फरवरी में, पर फॉर्म भरा अभी तक? पहले ये बता दूं, ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। तो ये तरीका हो गया। अब इसी तरीके को और कम करना है, और कम करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब सीखोगे और कम करना है। तो पहले एक डिस्काउंट हमें मिल रहा है, सिंगल डिस्काउंट 32% का, बस इतना ही लिखो। और यहां पर हमें दो डिस्काउंट मिल रहे हैं, 20% और 20% ऑफ। अब ये 20-20 है तो ऐसे काउंट कर लो, जैसे 100 रुपए की चीज है, 20 ऑफ तो 20 हुआ 80, फिर 20% ऑफ तो 8 × 16, ऐसे करके भी 36 सीधे लिख सकते। इन दोनों का मतलब ओवरऑल 36% हो, समझ गए ना? और मेरे दोस्त, इन दोनों का अंतर 4% का डिस्काउंट, और यही 4 25 के सीपी हमेशा 100% होता है, 25 × 25 625 आंसर, समझ गए? चलिए बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे दोस्त, पांचवे के बाद छठा नंबर। एक वस्तु का सूची मूल 200 रुपए, दो क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक 150 रुपए में खरीदता है, ठीक है। यदि एक छूट 10% और दूसरी छूट क्या? अब यही तरीका देखना, जिसके पास पेशेंस है, मैं लिख के दिखाता हूं। मान लो 200 रुपया की कोई चीज है, 200 रुपए की चीज है, और ग्राहक इसे 150 रुपए में खरीदता है, यही तो बोल रहा है भाई, 200 रुपए की चीज का MRP छाप दिया, ग्राहक 150, उसमें आप एक डिस्काउंट दे रहे हो 10% का, यानी पहला डिस्काउंट आपने 10% यानी 200 की चीज में 10% ऑफ किया, 180 आया। और फिर आप कह रहे हो दूसरा डिस्काउंट क्या, यानी 180 की चीज आप 150 में दे रहे हो, और यही डिस्काउंट पूछा जा रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो, 30 से ये 6 बार में गया, 30 से ये 5 बार, 6 की चीज 5 में गई, 6 की चीज 5 में तो 1 ऑफ हुआ, 6 की चीज 5 में तो 1, और किससे? 6 से देखोगे, × 100, 16.66% इज द राइट आंसर, 16.66% उसका सही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? एक मासूम सा बच्चा कह रहा है कि सर जहरीला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया? ऑब्जर्वेशन बेस्ड पर, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाइए। और ऐसा नहीं है, देखो पहला उद्देश्य यही होता है कि कोई भी नया क्वेश्चन जब एग्जाम में आए, सबसे पहला तरीका छोड़, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जब अंत में समय मिले तब आप उस क्वेश्चन को देखो, तब आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, ये भी कभी कभी बेनिफिट देता है। क्वेश्चन नंबर 7,
एक कार का अंकित मूल 5 लाख है, एक योजना के तहत उस पर 10% 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। कुल छूट ज्ञात कीजिए। एक कार का अंकित मूल 5 लाख है, एक योजना के तहत उसमें 10 और 8 की दो छूट दी जा रही है। दी गई योजना के कार बेचते समय दी गई कुल छूट चाहिए, यानी हमें सिर्फ डिस्काउंट की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकाल लो? बड़ा सिंपल, 5 लाख रुपया है तो जो मैं बता रहा हूं इसी से करना, मजा आ जाएगा। 10% ऑफ 50,000, बोलो हाँ। इसमें कम कर दो, 4.5 लाख आया। फिर कह रहा 8% ऑफ, इसी का 8% निकाल दो। परसेंटेज 2 जीरो खा गया तो 2 ही जीरो बचे, 8.45 हासिल, 4.32 4.36। और हमसे कह रहा है डिस्काउंट वाली राशि बताओ, इन दोनों को जोड़ दो, साफ साफ दिख रहा 50 36 86 आंसर। कैसा? बोलो बोलो, टेल टेल। हाँ, आप ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अब ऐसा क्या, देखो जल्दी और कैसे होगा, पहले मोटा मोटा। अब आज की डेट में बच्चों के पास दिमाग बहुत है, 5 लाख की चीज 10% ऑफ तो वो जानते हैं 50,000 आना है, तो उसको लिखकर सजाने के क्या 4 नंबर मिलेंगे? वो सीधे 4.5 लाख लिखेंगे। 4.5 लाख का 8% 36,000, 50 36 सीधे 86 आंसर। ऐसे करते तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा चल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मेरे दोस्त ये फॉर्मूला ही पेपर में पूछ दिया है, और सेम चीज इससे पहले एसएससी में भी पूछा जा चुका है। फॉर्मूला कहता है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल पर दी गई प्रथम छूट ए परसेंट, दूसरी छूट बी, तो उसके समतुल एकल छूट का निम्नलिखित में किसके व्यक्त करता है? तो बच्चा तो ये पढ़ता है ना, बच्चा ये पढ़ता है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। पहले समझ, कहेगा ए परसेंट छूट तो माइनस का ए, बी परसेंट छूट तो माइनस का बी, दोनों का गुणा माइनस माइनस प्लस ए बी बाई 100। पर जब ऑप्शंस में गया तो कौनो नहीं, कहता सर व्हाई दिस कोलावरी, सब गलत है। पर यहां उसने एक शब्द यूज किया है, छूट प्रतिशत को निम्नलिखित किसके द्वारा व्यक्त किया। उस केस में यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाता है और ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, और इसको माइनस साइन डिनोट करेगा छूट को। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है ये वाला, ये चीज है, यानी भाषा का खेल है। और इसमें राइट आंसर ऑफ दिस वन ए प्लस बी माइनस का ए बी बाई 100 आ जाएगा। तो इन चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। क्लियर है? सभी बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 9। अब कहता 30% 20% 10% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल एकल छूट बताइए। एकल छूट मतलब ओवरऑल हमें सिंगल डिस्काउंट चाहिए। अब करेंगे कैसे? सुंदर तरीका बता रहा हूं, सुंदर सुंदर बस यही। 100 रुपया मान लो 30% तो 30 रुपया ऑफ, बोलो हाँ। अब ये आ गया 70, 20% निकालोगे तो 20% इसका 14 आ जाएगा, बोलो हाँ। 14 कम करोगे तो 56 आ गया, 10% ऑफ यानी 5.6। अब हमसे कह रहा सिंगल डिस्काउंट, तो सिंगल डिस्काउंट तो यही वैल्यू हुई ना, इन्हीं वैल्यू को जोड़, साफ साफ दिख रहा है लास्ट में 6 वो भी इसी के 49.6 44 और 5 49.6। आप कोई भी तरीका लगा लो, इससे फास्ट नहीं हो सकता। एक बच्चा मजे ले रहा होगा सर, मैं एक्स प्लस वाई वाला लगाएंगे सर, बहुत फास्ट है। ठीक है, वो फास्ट तरीका नहीं, फास्ट यही है मेरे भाई, जब आप पेन चलाओगे ना तो इससे बहुत तेजी से। अब इसमें बहुत सी चीजों को लिखना नहीं चाहिए, जैसे 20% हमने लिखने में एक आध समय सेकंड बर्बाद किया, इसमें बर्बाद किया, ज्यादा तेजी से आंसर, क्योंकि ये चल रहा होता है। ये लिखते तो इसलिए कि आपको समझ में आए क्या मैटर क्या चल रहा। 9वे के बाद 10वां नंबर, बहुत प्यार से 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 सूची मूल वाली वस्तु वाली एक टाई 50 रुपए। अब यही मैटर है,
इंग्लिश में आप जाओगे तो 90 रुपीज लिखा है, हिंदी में 50 रुपए, यानी हिंदी की किताब में मिसप्रिंट हुआ है, ये 90 ही होगा। समझ गए? हाँ, जो धरने में बैठ जाओ सर, वाई दिस स्कूल आवरी, पहले से ही सही कर दिया मैं। तो दो क्रमिक छूटे के बाद 120 की चीज 90 में उपलब्ध है, पहली छूट 9% तो दूसरी क्या, मोटा मोटा हिसाब। अब देखो करने के बहुत तरीके हैं, पर आप ऐसे करो बड़ा सिंपल वे में, 120 रुपए की चीज थी, इसका 9% कम कर दो, 9% ही कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 12 9 108 यानी 10.8 आएगा। अरे बोलो हाँ, 12 9 108 10.8, इसमें कम कर दो यानी 10 कम किया 109.2 आ जाए, 109.2 आ गया। अब ये जो चीज है वो दया कितने पे मिल रही है, 90 पे मिल रही है, बस यही आपको डिस्काउंट निकालना है इसकी चीज इतने में, तो 19.2 रुपीस और कम हुए, किसमें कम हुए, इंटू 100। अब यहां पर भगवान कहता है, भगवान क्या, सभी टीचर कहते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा दो, ये चीज जहरीला है सॉल्व करने में, सॉल्व करना जहरीला और दिमाग लगाना तो सीधे टिक हो गया, ये कैसे कर दिया सर, वाई जस्ट पुल आवर, वाई जस्ट पुल आवर। देखो मेरे दोस्त ऐसे मारते हैं टिक, देखो कैसे, अगर मैं इसका जो नीचे वैल्यू लिखी है इसका 10% निकालू तो 10.92 आएगा, अगर मैं 20% सोचू, अगर मैं 20% सोचू 21 point something आएगा, ये 19 point something है, यानी 20% मतलब समझ गए ना, 20% भाई 10% ये 20% के लिए दो का ये तो गुणा करना, 21 point something आएगा, ये 19.2 है यानी 20% से कम, और 20% से कम क्या है 17.5। तो ये ऑब्जर्वेशन, जब भी जहर हो थोड़ा सा दिमाग लगा तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अच्छा एक एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, किसने बोला था, नीलेश मेरे भाई, आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला जब फॉर्मूला लगाओगे उससे पहले वाले क्वेश्चन बात कर रहे हो, मैं समझ गया, तो फॉर्मूला हमेशा आप पहले लिखोगे और जितनी देर में लिखोगे उससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आप दिमाग लगाइए, खुशी मिलती है, कहां मिलती है खुशी, एग्जामिनेशन हॉल में। यदि एक वस्तु का अंकित मूल 2850 और इस पर दी जाने वाली छूट 21% तो इसका विक्रय मूल ज्ञात कीजिए। यदि एक वस्तु का अंकित मूल 2850 और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है तो इसका विक्रय मूल ज्ञात कीजिए। समझ गए ना, और कैसे करेंगे, देखो 21% की छूट दी गई, 280 और 50 है, चुपचाप इसका 21% निकाल के, इसका 21% निकाल के घटा देना वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, अन्यथा आपको 2850 का 100 में 21 गया 79% निकालना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा समय लग जाएगा सर, हम नहीं मानेंगे, करके देखो, करने से होता है, रीजन क्या है, ऑप्शन 50 50 50 यहां बैठा है, यहां खेला हो जाएगा। हाँ एक चीज हम लोग देख सकते हैं, अगर देखना चाहें, देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि ये वैल्यू किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, देखो तो ये 3 का हो गया, ये भी 3 का हो गया, पर इसमें क्या है कि इसने आगे पीछे डिजिट कर रखी है सारे ऑप्शन, हाँ तो फिर करना ही पड़ेगा, 21% निकाल के घटा दो, सबसे सुंदर तरीका, देखो 0 ऐसे ही आएगा भाई, यहां से 100 से भाग दोगे तो इसलिए 0 लगा दो, 21 5 105 10 हासिल, 21 8 168 8 यहां 17 हासिल, 21 2 42 ये 59 आ गया, तो घटा दो 50 पैसे ऐसे आएगा, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 9 गया
14 में से 9 गया, 5, 27 में से 5 गया, 27 में से 5 गया, 22 तो 15 रुपए 50 पैसे इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 2251 लिखा है, देख लो नशेबाजी लिखा सही है, मार ये दिया, इसे कहते हैं सस्ता नशा, डी इज द राइट आंसर, 2251 रुपए 50 पैसे इज द राइट आंसर। तो ऐसे आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। 12 नंबर देखो क्वेश्चन देखना, अब देखते हैं कौन कितना एक्सपर्ट है इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए आंसर बताने, किताब खोल के नहीं, कॉल करना। एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूटों में से चुनने का विकल्प देता है, कहता भैया ये 4 छूटे डिसाइड कर, तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक का सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। अब देखो यहां पर बेनिफिट क्या है, दुकान के मालिक को होना चाहिए, ये बोलना है। अगर दुकान के मालिक को बेनिफिट हो रहा है इसका मतलब वो लेस डिस्काउंट देना चाहता है, तभी उसको लेस डिस्काउंट क्या देना चाहता है, यानी कम आपको छूट देना चाहता है, तभी दुकान के मालिक को सर्वोत्तम बेनिफिट होगा। पहले बताओ हाँ सर बिल्कुल बात सही है, सर्वोत्तम बेनिफिट चाहिए तो दुकान के मालिक को कम छूट देगा तभी उसको फायदा होगा। आपने एक फॉर्मूला जब पढ़ा था तो माइनस का एक्स माइनस वाई दोनों का गुणा इतना 100, मैं कुछ नहीं मैं सिर्फ समझा रहा हूं, मैं ना मैं आंसर सीधे कर दूं ये खत्म, आपको वाई दिस कोलावरी, इसीलिए आपको कोलावरी ना बोलने पर इसलिए समझा रहा हूं। ये दोनों चीज तो सभी में सेम है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये 40 है। अब ये चीज जिसमें अधिक होगी, ये चीज जिसमें अधिक होगी अभी की डेट में अधिक होगी, अगर ये अधिक है तो कम छूट हो जाएगी, यानी कम डिस्काउंट हो जाएगी, कम छूट हो जाएगी, क्या अधिक होगा एक्स वाई का इंटू अधिक होगा तो कम छूट हो जाएगी, अभी दुकानदार को फायदा। 35 पंजा करोगे 175 होता है, 25 पंद्रियां करोगे 400 नहीं होता, मोटा मोटा समझ 250 और 125 375 होता है, 30 दस्ते 300 होता है, पर 20 × 20 400 यानी 4 आया, यानी 40 में 4 गया 30%। और ऐसे इसमें 37% का डिस्काउंट आएगा, इसमें 36.25% के आसपास आ जाएगा, समझ गए, इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट आएगा। तो हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमें कम डिस्काउंट देना है, वो 20% हो, क्यों, क्योंकि दुकानदार को होना है क्या फायदा, ठीक है। देखो क्वेश्चन की भाषा पे ही चलना, दुकान विकल्प मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त हो, दुकानदार आपको कम डिस्काउंट देना चाहता है तो कम डिस्काउंट डी वाले में आएगा। कहीं कहीं मैंने सॉल्व किया, सिर्फ आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन कैसे, सारे जुझारू निकाल रहे होंगे बैठ के। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से उसको करना, इसको 12 लगाने के बाद फिर से 4 में जाना, मजा आ जाएगा, उसकी भाषा जरूर पढ़ लेना, उसमें कुछ और बोला गया। धरने बैठो, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल पर 25% छूट पर खरीदा, यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 अदा किए जो उसका अंकित मूल क्या था, देख रहे हो, तो देखो मोटा मोटा 75% में खरीदा जॉन ने, भाई 100 की चीज थी 25% डिस्काउंट, तो 75% यानी 28,473 है, कहता उसका एमआरपी बताओ, यानी 100% का मान हमसे पूछा गया। बस मेरे दोस्त 25 त्याय ये 3 = this one तो 4 = this one ये चाहिए,
तीन से भाग दे दो, नौ त्रिका सत्ताईस, नौ आएगा, फिर चौदह तीन चौकू बारह, सत्ताईस नौ, ये हो जाएगा। और इसमें चार का गुणा करो, चार न चौ को छत्तीस, तीन हासिल, क्योंकि चौसठ इसी के लास्ट में, ये नहीं तो फिर कोई नहीं, यानी आंसर तेरह का डी आएगा, तेरह का डी, 3796। क्लियर है? चलिए प्यार से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल इस पर प्रदान की गई छूट के तीन गुने के बराबर है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और वो जो डिस्काउंट है उसका तीन गुना, अगर मैं डिस्काउंट सौ रुपए दे दूं तो विक्रय मूल 300 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहता है, इस पर प्रदान की गई छूट के तिगुने के बराबर, यानी डिस्काउंट अगर सौ रुपए दे देना तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो अगर मैं एमआरपी की बात करूं, मार्केट प्राइस, तो सौ रुपया इसमें जोड़ दो तो वो 400 हो जाएगा। भावनाओं में नहीं बहेंगे, अभी पहले समझो। यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, देखो यहां पर छूट का प्रतिशत बोला गया, तो छूट सौ रुपए की है, किस पे दे रहे हो, एमआरपी पे दे रहे हो इंटू 100। अगर मैं छूट का परसेंटेज ही देखूं तो छूट का परसेंटेज हो गया 25%, और यही 25% लाभ यानी प्रॉफिट के बराबर। 25% का मतलब 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेची गई, 5 बराबर 300 यानी 60 का गुणा, तो 4 बराबर सीपी 240 आ गया, क्योंकि 60 का गुणा करोगे। तो कहता है प्रदान की गई छूट यानी डिस्काउंट 100 रुपए का, और क्रयमूल का अनुपात यानी सीपी का रेशियो जो कि 240 है। अब इससे सरल तरीका नहीं होता है दोस्त, ये याद रखना, क्योंकि जो बोल रहा है सिर्फ वैसे ही हमारी कलम चली है, समझ गए, 5 और 12 का रेशियो हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने एक चीज देखा, क्या देखा, हम कॉन्सेप्ट वही सीखेंगे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा, हमने कुछ भी अपने मन से नहीं किया, जैसा बोल रहा है वैसा करते। कहता है यदि किसी वस्तु का क्रयमूल प्रदान लाभ छूट के तीन गुना, माना छूट 100 क्रयमूल 3, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 300 में 100 जोड़ा 400। कहता है यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो छूट निकाल लो, 100 रुपया मिल रहा है, किस पे एमआरपी 400 मिलेगा, 25% का छूट वही लाभ के बराबर, यानी 1/4, 4 की चीज 5, 5 बराबर 301, 4 बराबर 240। कहता है फिर डिस्काउंट और सीपी का रेशियो 5:12, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, समझ गए, समझ गए, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमसे, क्या कहता है, कहता 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 क्रय मूल वाली वस्तु कितना मूल अंकित करना। अब जब क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा आया तो याद रखना, प्रॉफिट लॉस में हमने हर बार आपको एक चीज बताई थी कि जब भी सिर्फ सीपी और एमपी पे चर्चा हो जाए तो एक फॉर्मूला तैयार कर लो, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, बस इसी का सहारा लो, हमेशा आंसर सही पाओ। जनरल में जाओगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन माइंड में सेट है। कहता 10% की छूट घोषित की गई, तो छूट 100 में 10 कम कर दो, सीपी 90 हो गया, 25% लाभ 100 में 25 जोड़ दो, 125 हो, दुकानदार को 360 क्रय मूल, 90 बराबर 360 के तो 4 का गुना होगा, 125 में भी आपको क्या करना है, 4 का गुणा करना, 125 का 500 हो, 500 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर आए वह 500 आएगा, 500। चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी वजह से आपने पिनेकल और यूथ अच्छे से कंप्लीट कर ली। प्लेटफॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल में बाकी टीचर को क्यों नहीं लाते हो? अगर हम उन टीचरों को लाएंगे तो फिर उनको सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी देनी पड़ेगी तो फिर आपके जो कोर्सेस हमने मैथ के नाम मात्र के शुल्क में रखे वो 4 गुना बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए ना, तभी उनकी पेमेंट जाएगी, इसलिए किसी को नहीं लाते। दूसरी बात यह है मेरे दोस्त, क्या मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं, और इस पे चर्चा हम बाद में करें। क्वेश्चन नंबर 16 से, रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल 12,000 था, उसने टीवी सेट किस मूल पर खरीदा? अब जैसे किसी दुकान में ऑफर चल रहा है, मेरा 25% छूट है, जैसे आप ही हो, हमको मान लो जानते हो, और मेरी दुकान में आए और हम थे नहीं, 12,000 रुपए की टीवी थी, 25% का ऑफर था, तो आपने 3,000 रुपया कम करा लिया 9,000 में। मालूम चला गलती से हम उसी वक्त अपनी दुकान में आ गए, सर कुछ और छूट मिल जाए, जहां आपने कहा तो फिर हम अब ना तो करना नहीं क्योंकि कस्टमर डीलिंग है, तो 15% की छूट और दे दी, ले जाओ, नेक्स्ट टाइम आओगे तब देख लेंगे तुमको। परसेंटेज 20 गया, 135 यानी 1350 रुपया और कम कर दिया, समझ गए ना, तो बस 7,650 रुपए की आपको वो टीवी पड़ गई। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन ये, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट एमेजॉन में वहां ऑफर चलते ही रहते हैं, लेकिन जब भी कोई बिग बिलियन डे आ गया या कोनो और डे आ गया उसमें एक आध और ऑफर देना चालू कर देते हैं, समझ गए, तो आपको लगता है वो चीज सस्ती मिल रही है। नहीं मेरे दोस्त, अगर आप ऑफलाइन में भी वही चीज लाओगे, कौन सी दुकान से, थोक की दुकान से, जहां चीजें सही रेट पे मिलती हैं, उससे भी सस्ती मिलेगी, ट्रस्ट करो मुझ पर, उससे भी सस्ता मिलेगा, चाहे कितना ऑफर दे दे, समझ गए, क्योंकि अब जो फ्लिपकार्ट अमेजोन में जो माल बेच रहा है मार्केट का वो कौन लोग हैं, है तो हम ही लोग अपनी शॉप के, तो हम ऐसा तो है नहीं कि 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच के चले जाएंगे, अपना घाटा कर लेंगे, समझ गए ना। हाँ, मोबाइल वगैरह को छोड़कर, मोबाइल वगैरह मिल जाते हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, मोबाइल डायरेक्ट कंपनी वो लोग सेल करते हैं तो वो अलग चीज है। पिक मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर देख लो 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए? अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप सोचो क्या कर रहे हैं, सोचो, इसने दो चीजों का ही प्रयोग किया है, अंकित मूल और क्रय मूल, जहां इसने सिर्फ दो ही चीज बोला तुरंत हमारी निंजा टेक्निक काम आएगी, कौन सी, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, 5% का डिस्काउंट यानी 95 रुपए, 10% लाभ यानी 110, बस इसी को लगा मेरे दोस्त, ये 19 हो गया और ये 22 हो गया, 19 की चीज 22 में, 19 की चीज क्या है 22 में, 19 की चीज 22 में, तो 3 रुपए का लाभ होगा, 19 से भाग दोगे इंटू 100, ये चीज हो जाए। अब देखा जाए 300 बटा 19 ऐसे 19 एकम 19 एक बार में, फिर 110 यहां 95 पांच बार में, यानी 15 सही 15 बटा 19,
यही आंसर हो। 15:15 / 19% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर यही होगा, यही होगा। ठीक है, समझ में आया। 18 बहुत प्यार से पढ़िए, बहुत प्यार से। एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट पर 5225 में बेचा जाए तो पेंटिंग का अंकित मूल्य क्या है? अब बताओ इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा। अंकित मूल्य पूछा गया, यानी 5% छूट यानी 95% की वैल्यू 5225 रुपए और अंकित मूल्य तो 100% होगा, यही हमें चाहिए। मेरे दोस्त, 5 से भाग दोगे 19 बार में, 5 से भाग दोगे 20 बार, 19 से भागा जाएगा 20 का गुणा, लास्ट में 2 जीरो 5255 सॉल्व करना पड़ेगा। अब कह दो सर लास्ट में 2 जीरो कैसे समझ गए? वो 25 है, वो 25 बना रहेगा मल्टीपल में, इसमें 20 है तो 4 का मल्टीपल है, 2 जीरो तो फिक्स हो जाएंगे, 55 52 में कौन, इतना हम टैलेंटेड नहीं है। तो भाग दो 19 दूना 38 तो 14 बचा। अब 142, 19 के पारे में 142 आता है, जी हाँ आएगा। कितनी बार में आता है? 19 से सत्ते 133 होता है, सत्ते फिर आया 95, यानी 275 आ गया, 275 बीसा आंसर। जीरो ऐसे 5 × 10 = 27 × 54 1555 इज द राइट। मेरे दोस्त यही इसका बेहतरीन तरीका है और कुछ भी नहीं। 5500 इज द राइट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर न्यू स्टूडेंट के लिए मैथ कब से होगा? यही फाउंडेशन क्लास है मेरे भाई, यूथ 2024 की किताब खरीदिए और प्रकाश सर मैथ ऐप में आ जाइए और बेहतरीन ढंग से उसको पढ़िए, समझ गए? फाउंडेशन नए बच्चों की। अब कह दो जिस दिन पेपर का दिन होगा, कह दो सर उस दिन से कोर्स चालू करो, सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, 2-4 महीने पहले से पढ़ोगे तो बेनिफिट होगा। मेरे दोस्त, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, 3 स्टार इस बात के लिए कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो वो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन एसएससी का प्रीवियस ईयर, सेम क्वेश्चन बहुत से टीचरों के जिनके नोट्स वायरल हुए थे 2014-15-16 में, उनके नोट्स के क्वेश्चन। पर ये तो है तो एसएससी का प्रीवियस, ये भी तो है, अब हम भी अपने नोट्स बनाए तो है तो प्रीवियस ईयर उठा के बना रहे, वो क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है, ठीक है। 12 संतरों का क्रय मूल 9 संतरों के विक्रय मूल के बराबर, 12 संतरों का क्रय मूल 12 का सीपी 9 के एसपी के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये 3 बार में, ये 4, यानी सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आ गया 3:2। फिर कहता है 10 संतरों पर प्राप्त की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त के लाभ के बराबर है। फिर देखो 10 संतरों पर जो डिस्काउंट मिला है 5 संतरों के लाभ के बराबर, पी अपॉन पी 5/10 यानी 1/2। अब एक छोटी सी बात को समझना है और वो जिसने समझ लिया वही बात सा, प्रॉफिट कितना यूनिट है? 2 यूनिट। यहां पर प्रॉफिट कितना यूनिट है? 1 यूनिट है भाई, 3 की 4 में तो 1 कमा रहे हो पर प्रॉफिट 2 आ रहा है। अगर यहां 2 बनाना है तो किसका गुणा करोगे? 2 का। यहां पर भी 2 का, यहां पर भी 2 का, मुद्दा खत्म। इसलिए 3 स्टार, 3 स्टार इसलिए क्योंकि एसएससी का 3 स्टार लगे, फैक्टर बनता है। मेरे दोस्त, सीपीएमपीएसपी
सीपी एमपी एसपी, अब सीपी कितना हो गया 6 रुपए हो गया, एसपी कितना हो गया 8 रुपए हो गया, डिस्काउंट कितना 1, यानी 8 आया है और 1 डिस्काउंट है यानी ऑफ है, तो 9 की चीज 8 में बिकी होगी, 9 की चीज 8 में बिकी होगी तभी डिस्काउंट हुआ। हमसे कहता है छूट का प्रतिशत, जब 9 की चीज 8 में तो 1 का डिस्काउंट आउट ऑफ 9 इंटू 100 11.11%। सबसे सुंदर तरीका, इससे ज्यादा सुंदर तरीका होता ही नहीं इसको करने का। एक बच्चा कह रहा है डायरेक्ट 19 कट हो रहा है, हमने हमने कौन हमने 19 से तो भाग दिया 275, 275 बिसाई तो किया है, ठीक है समझ गए। 11.11% इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल से 20% अधिक मूल अंकित करता है, उसके बाद उन पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर क्या है? देख लो यार, देख आप इसको चाहे ऐसे कर लो, 100 रुपए की चीज था 120 छाप दिया, बोलो हाँ 100 रुपए की चीज थी भाई। क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेसिक से कर लो, एक दुकानदार वस्तुओं पर उसके क्रय मूल से 20% अधिक अंकित करता है यानी 100 की चीज 120 छाप दिया, उसके बाद वहां पर एक छूट दे रहा है, देने दो भाई ले जाओ छूट, क्या ले जाओ। फिर कह रहा 8% का लाभ कमाता है, 8% लाभ का मतलब समझे नहीं, ये जो 100 की चीज है ना तो 108 में, 100 की चीज 108 तो और छूट यहां से बस खत्म, 120 की चीज 108 10% ऑफ हो गया सर, ऐसे कैसे, दोनों का अंतर है 12, निकालोगे 120 से इंटू 100 हो गया 10%। इससे सरल तरीका नहीं, समझ गया ना, बोलो टेल है तरीका। एक बच्चा 12% ही आंसर बोल रहा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, या तो सस्ता नशा कर रहा या समझ नहीं पा रहा, हो सकता है समझ ना पा रहा हो, इस वक्त सस्ता नशा नहीं कर रहा। इसको फिर हम इससे भी कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देखो मेरी किसी बात को बुरा ना मानना, मजाक में दो चार सब टू जी हो, ये ना समझ लेना कि आपको ही बोला जाए, मैं अपने आप को बोलता हूँ मोटा मोटा, ठीक है पढ़ लो, आज तुम धरने में बैठ जाओ सर, वाई जिस को कैसे कर दिया घर के सामने आ रहे लट लेके, 8% लाभ कमाता है तो 8 यहां लाना है, बोलो हाँ, क्रय मूल से 20% अधिक तो प्लस का 20, डिस्काउंट एक्स का, दोनों का गुणा 20x/100, 20 में से 8 गया 12, तो 120/100 यानी 6/5, हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5×10 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपके सामने 10% आएगा, 10%। कौन से क्वेश्चन का आंसर 12 झूके पड़ा है, 10% आएगा खत्म बात, 120 की चीज 108 में बेचोगे तो 120 का 10% ऑफ होता है वो 12 होता है, तब 108 आता है, मोटा मोटा हिसाब। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट 10% होगी, चलिए 21 नंबर। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल 9000 है, इसके मूल में 20% की छूट दी जाती है, फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है इसका नया मूल। आप सिंपल वे में कर लो भाई, 9000 रुपए की कोनो चीज थी, 20% छूट यानी 1800 कम कर दो, 20% होगा ना 7200 रुपए की, 10% बढ़ा दो 720 और बढ़ा दिए, 7920 आंसर, मुद्दा खत्म। कैसा लगा, 21 नंबर का आंसर 7920 हो जाएगा।
ठीक है। 22 नंबर, राहुल ने 25% छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। तो देखो जो 25% छूट है ना वही 200 के बराबर। भाई कोई चीज मान लो 1000 की मिल रही, मोटा मोटा नहीं 1000 नहीं 800 की बोलेंगे हम, 800 की मिल रही है, उसमें 25% छूट वही 200 के बराबर आ गया। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल 800 होगा, तब कैसे? अरे 25% बराबर 200 के, 25 में 4 का गुणा करोगे तो 100 होता है, तो इसमें भी 4 का कर लो 800 आ। यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना होगा? अब 10% की कमी यानी 90% हुआ भाई, 90% की वैल्यू 279 हुआ। भाई कोई बिल है जिसमें 10% कमी कर दी तो 90% हुआ जो कि 279 के बराबर। मूल बिल कितना है यानी 100% का मान, मेरे दोस्त 10 से भाग दोगे 9 बार में, 10 से भाग दोगे 10 बार, 9 का गुणा करोगे तो ये 31 आएगा, यहां इसमें 31 आएगा, 310 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर आएगा वो 310 आएगा, 310 ठीक है। एक मशीन का मूल 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हो, यदि इसका वर्तमान मूल इतना है तो 2 साल पहले कितना था? तो प्रति वर्ष 10% का खेला हो रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की चीज 9, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की चीज 9 में, 10 की चीज 9 में, और 2 साल तो 10 की चीज 9 में, तो 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी 100 की चीज 81 में, 9 का स्क्वायर 81 बोलो हां। एक मशीन का मूल 10% की दर से ह्रास होता है यानी 100 की चीज 90 में स्क्वायर करोगे तो वही रेशियो, 100 की चीज 90 तो 10:9 हो गया, स्क्वायर करोगे 100 की चीज 81 में। अब हमसे कहता है पहले मशीन का मूल यही 81/16000 यानी 2000 का गुणा होगा, इसमें भी 2000 का गुणा कर लिया, 2,00,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वह 2,00,000 होगा, 2,00,000 होगा 24 नंबर। 25 नंबर, एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट प्रदान करती है, यदि एक बाइक का अंकित मूल 75200 है तो दर्शन को कंपनी से नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा? एक बाइक का अंकित मूल कितना? इतना, और 5% की छूट है नगद भुगतान में, तो 5% निकाल के आंसर निकालो, घटा दो इसमें, अब 95 का गुणा ना करो, ऐसे करो मेरे दोस्त, 5% की छूट देना है तो परसेंटेज 2 0 खा गया, 5 × 10 हासिल 1, और 25 × 1 = 26, 2 हासिल 35 × 2 = 37, 3760 रुपया घटा दो 11, ये 440 किसी में है, ये है आंसर, लो 71440 इज द राइट आंसर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो 25 क्वेश्चन हमारे दोस्तों हो गए, प्यार मोहब्बत। जितने लोग YouTube पे देख रहे हैं सभी बच्चों को बता दें ये कोर्स है जो कि प्रकाश सर मैथ ऐप में प्रॉपर वे में मिलेगा, ये उन बच्चों को लेना चाहिए जिनका फाउंडेशन आपका अच्छा करना है, रेलवे के सभी एग्जाम प्लस अदर एग्जाम का आपको फाउंडेशन पढ़ना है तो इस किताब को आप पढ़ सकते हो, मेरे शब्दों को सुनना। और ये रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है,
उसके बाद आपको बता दे, आपने इसका फर्स्ट एडिशन या सेकेंड एडिशन मुझसे पढ़ रखा है, एक शब्द यूज करना पड़ता है, मुझसे पढ़ रखा है, तो फिर आप पिनेकल 6200 मैथ को लगाइए, आपको और बेनिफिट मिलेगा। याद रहे, हमें रेलवे में दो किताबें लगानी ही पड़ेंगी हर हालत में, एक यूथ का तीनों में से कोई एक किताब और पिनेकल 6200 मैथ सेकेंड एडिशन। ऐसा क्यों? दोनों किताब में पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात, इस किताब को लगाओगे तो इसमें ग्रुप डी 2018 वाले क्वेश्चन, 16 वाले क्वेश्चन भी आपको, मतलब एनटीपीसी 16 वाले भी क्वेश्चन नजर आएंगे, समझ गए? पर जब आप लगाओगे कौन सी, एनटीपीसी 18 वाला भी नजर आएगा, पर जब आप लगाओगे कौन सा पिनेकल 6200, उसमें ग्रुप डी लेटेस्ट 2022 के क्वेश्चन, एनटीपीसी 2021 वाले क्वेश्चन, ठीक है, फिर आरपीएफ और एएलपी आरआरबी जेई ये वाले क्वेश्चन नजर आएंगे, साथ में एनटीपीसी सीवीटी 2 के भी क्वेश्चन नजर आएंगे। तो आपको दोनों ही किताबों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखते रहिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अच्छा, एक बात को और सुन लो, अभी फिर से एक क्लास होगी 5:30 बजे के आसपास, वो क्लास होगी एसएससी जीडी के क्वेश्चन। हम आप सभी से कहेंगे कि आपने ये 25 क्वेश्चन पढ़े ना, उसके भी 25 क्वेश्चन पढ़ के देखिए, आपको सब मिलता जुलता लगेगा कि जो रेलवे का है आज की डेट में वही एसएससी आज की डेट में, क्योंकि टीसीएस ने कराया है, बाकी भविष्य में कौन कराए वो बात की बात है, समझ गए? सब मिलता जुलता नजर आएगा। चलिए, धन्यवाद आप।